नाराज है भी या नाटक करे। टीस के गाने सुने जा रहे हो और ठंडे भाई और बिजली करो, गर्मी लग रही है मुझे तो एसी चाहिए। और नीचे बैठ के खाना खाना पड़ेगा। Everyone, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अभिका काशिफ खान, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। अनदर व्लॉग के साथ मैं आपकी रबीका काशिफ खान हाजिर हो गई हैं और हम जा रहे हैं आप सबको साथ लेकर। कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को जाके पता चलेगा, तो चलिए चलते हैं। एक लिफ्ट में हम इतने सारे लोग आ गए थे भैया, दो लोगों के बराबर है। छोटे छोटे क्यूट बच्चे भी जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? है गंदा मुँह कर लिया है, गंदा मुँह कर लिया, साफ करके आओ। चलो हमारे साथ छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। बेसिकली हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो फैमिली हमारे साथ में है और वी आर गोइंग। वो हुसैन साहब चल रहे हैं नाराज होके। क्यों नाराज है वो मुझसे? नाराज है भी या नाटक करें? जरा चेक करते हैं। अभी हम गाने को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अगर गाना चलता रहा तो कॉपीराइट का इशू होगा। यहाँ पे पुराने गाने चल रहे हैं, 90s के गाने सुने जा रहे हैं और मम्मा तो भाई सारे गाने इनको आते हैं, मतलब आप चेक करें। फुल ऑन एंजॉय। और बस में मैंने जितने भी डाल दिए थे मैंने वो डाल दिए थे। और हम लोकेशन पर पहुँच गए हैं। हम यहाँ आए हैं फैमिली डिनर करने। चलिए माही लेट्स गो। भाई और आज आपकी बहन भालू बन के आई है। जी ये डाली मेरी लग तो खराब हो जाएगी। ओके रख ले। मैं कह रही हूँ दोनों से, मैं बोल रही थी सर्दी होगी बाहर, इन लोगों ने हाईनेक नहीं पहने और अब दोनों अकड़ रहे हैं सर्दी से। सहना पकड़े। आप तो मुझसे नाराज थे ना, आप तो मुझसे नाराज थे ना। हम बिजली बिजली कर रहे हैं। बिजली करो। अल्लाह आई एम नाराज। ऐसे भाई नहीं, ऐसे भाई होने चाहिए जो छोटे भाई का हाथ पकड़ते हैं। ये भाई अपना चल रहे हैं। ओहो ओ माय गॉड। इससे क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट? वो मतलब अपने घर में वेलकम करती है ना। अच्छा तो मैं आपका रेस्टोरेंट वेलकम कर रही हूँ। सो नाइस ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। शूज उतारने पड़ेंगे। हाँ जी पहले सॉक्स तो मैंने पहनी नहीं। पहले अंदर एंट्री को उन्होंने आप लोगों का फूल बिछाए हुए। फूल बिछाए हुए, वाओ। हमारे वेलकम के लिए फूल बिछाए हुए, वाओ सो नाइस। बात है क्या खुशबू आ रही है। घर वाली वाइब आएगी यहाँ बैठ के। पर मुझे गर्मी लग रही है, मुझे तो एसी चाहिए। कह रही अगर सर्दी गर्मी लग रही है तो आप कोट उतार दो। सही है ठीक है। भालू भालू लग रही हूँ सच में। टेडी बेयर नहीं अदली हूँ। ओके बच्चू फोन से बैठे हुए हैं और अभी एकदम नजर पड़ी है कि हमारा खाना आ चुका है। ओह माय गॉड। मेरा तो फ्रंट पे मुंह इतना बड़ा आता है। इतना बड़ा नहीं आ रहा है, मेरा भी समटाइम्स आता है। क्या करें भाई, बड़े दिन वाले हैं। कितना मजे का आ रहा है। तीनों नहीं हम दो मजे का आ रहे। तीसरा कौन नजर आ रहा है? हम लोग, हम सब। वैसे इतने सारे लोग हैं ना, सब कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठे हुए। अच्छा मैं आपको एक बात बताने ही भूल गई थी, ये दावत हमें दी किसने है? किसने? इनकी तरफ से। और इनकी तरफ से हमारी दावत है स्पेशली क्योंकि हमारा आज लास्ट नाइट है। लास्ट डे है। नाइट है, डे तो पक्का होगा। जा रहे हो लौट के। अल्लाह मुझे तो कसम से रोना भी आ जाएगा कि इतनी मोहब्बत आपने मुझे दे दी है। इंशाल्लाह आप लोग जरूर मिलेंगे। चल तो मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरी बात सुने सब लोग, ज्यादा से ज्यादा यहाँ वर्किंग दे इस्लामाबाद में रुबीका को, ताकि वो बाहर पड़ आए। चलो खाना आ गया है जी। माय गॉड नीचे बैठ के खाना खाना पड़ेगा।
मुझसे तो नीचे बैठे ही ज्यादा, मेरे घुटने अकड़ जाते हैं। ऐशा यहाँ पे मेहनत करती हुई, अल्लाह ये क्या जरूरत है इसकी, इसको जरा प्लीज कोई एक एक बच्चा अपना अपना मुंह दे इसको फुला। स्ट्रॉ तो नहीं है दोस्तों के लिए, इतनी मेहनत इतनी मोहब्बत कोई कर सकता है? मतलब वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हैव आयशा आपी और सब आपी, एक्चुअली आयशा आपी नहीं नहीं आयशा। हाँ आयशा बोले मैंने ऐसे ही बोल दिया। नीचे बैठो आराम से, मैं बड़ी हूँ। बड़ी होने का मतलब ये कि डांटना हो कैसे बैठी है, बैठने की चुप क्यों रहे, बोलो शुक्र है बड़ी बड़ी बहन नहीं है। हाँ अब मैं इसके लिए ओके डन हो गया, स्टॉल ढूंढने जा रही हैं, अब देखते हैं ढूंढ पाती हैं क्या नहीं। मैं व्लॉग में ढूंढूंगी। ये पहले ही क्या सीन था, मुझे लगा पांच हजार का। अच्छा मुझे लगा कि सारे हसन भाई ने उठा ली। पहले सीन क्या था, अब सीन देखो क्या है, ये देखे लोग, ये देखो 2000 years later. फाइनली हमने खाना खा लिया है और फिर से एक बार अंधेरा हो गया रेस्टोरेंट में, हम लोग लेट आए थे, आप लोगों को पता है हम लेट खाना खाने वाले हैं, तो सब कुछ खाना खा पू के 12:23 हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। घर से मुराद कराची नहीं जा रहे, अभी से हम अपने अपार्टमेंट जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन। सो गाइज फाइनली आई एम बैक होम और यहाँ पे सारी पैकिंग वगैरह चल रही है क्योंकि कल हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं कराची अपने घर की तरफ, और आपको पता है जब घर जाना होता है तो सारी चीज़ें समेटनी पड़ती हैं, हर चीज़ परफेक्टली होनी चाहिए ताकि हम कोई सामान भूल ना जाए, वरना हमें इनको परेशान करना पड़ेगा, फिर हम लोग भाग भाग के जाना पड़ेगा। बस कोई प्रॉब्लम ना हो, सारा सामान हम रख लें, कोई चीज़ भूलें नहीं, वरना प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग को पता है। और अल्लाह करे टाइम पर आप लोग निकल भी जाए। We are always late वाला सीन है, बट अगर कल लेट हुए तो बाबा बहुत ज्यादा डांटेंगे, तो इंशाल्लाह हम ऑन टाइम होंगे। जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं फिर भी लेट तक रेस्टोरेंट खुले होते हैं, इनकी वजह से VIP प्रोटोकॉल मिलता है, और जब कहीं फ्लाइट वगैरह का हो तो फिर भी लेट होता है। लेकिन कल लेट नहीं होंगे ये मैं लोगों को बता रही हूँ, अल्लाह करे कि मुझे ये कहना ना पड़े कि हम आज भी लेट हो गए। सो गाइस सारा सामान जो है वो रखा जा रहा है गाड़ी में, और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, जल्दी जाके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेक केयर बाय। Thank you.